नमस्कार, पंडित ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसे वीडियोस, कुछ ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना बेहद इम्पोर्टेंट और आपके लिए लाभदायक साबित होते हैं। दोस्तों, शिव यानी कल्याणकारी, शिव यानी बाबा भोलेनाथ, शिव यानी शिव शंकर, शिव शंभु और शिव जी नीलकंठ, रुद्र, उनके नाम इतने अनेक हैं कि हम बताएं तो बात करते ही रह जाएंगे। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, और हिंदू देवी देवताओं में भगवान शिव शंकर सबसे ज्यादा लोकप्रिय देवता है। वह देवों के देव महादेव है। असुरों के राजा रावण भी ऐसा माना जाता है उनके उपासक रह चुके हैं। और दोस्तों, आज भी दुनिया भर में हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए शिव भगवान विशेष रूप से पूजनीय है। इनके लोकप्रियता का कारण है इनकी सरलता। इनके पूजा आराधना की विधि बहुत ही सरल मानी जाती है और माना जाता है कि शिव बाबा को यदि सच्चे मन से याद कर लिया जाए तो शिव भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी पूजा में ज्यादा तामझाम की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, जो भी चीजें आपके पास है, भगवान भोले बाबा को चढ़ाइए और अपने बाबा को मनाइए। कुछ ना मिले तो सिर्फ जल से अभिषेक कर दीजिए, बेलपत्र चढ़ा दीजिए। दोस्तों, बाबा बम बम कर देते हैं मनुष्य को। रात के समय इनका जागरण करने से बहुत मेहरबान होते हैं। वैसे तो हर सप्ताह सोमवार का दिन बाबा भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है। हर महीने में मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन साल में शिवरात्रि का जो मेन पर्व आता है व्यापक रूप से देश भर में मनाया जाता है। दोस्तों, वह साल में दो बार आता है, एक फागुन के महीने में आता है शिवरात्रि और दूसरा है श्रावण के महीने में। फागुन के महीने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहते हैं और इससे फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाए जाने वाला महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालु कावड़ की जगह गंगा जल भर भर के लाते हैं और जिससे भगवान शिव को स्नान कराया जाता है। 200 धन की देवी लक्ष्मी जी को समर्पित है। इस बार एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, वो कर लेंगे आप तो आपकी पॉकेट में हो जाने वाली है बम बम। ऐसा माना जाता है शिवरात्रि के पर्व पर अगर आप पर्स में रखेंगे यह खास धागा तो जरूरत के अनुसार जब जरूरत हो आपको पैसा अपने आप प्राप्त होता है। इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। शिवरात्रि पर शिव पूजन करने से पूर्व उनके पुत्र गणेश जी का पूजन करने का विधान होता है और भोले बाबा ने स्वयं उनके अग्र पूजा का अधिकारी बनाया था। इसलिए सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करें आप और देवी लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने का। दोस्तों, यह बहुत ही अच्छा अवसर है। दौलत शौहरत जो भी आपकी इच्छा हो, हर मनोकामना पूर्ति होती है। बस जो भी मन में इच्छा बसी हुई है, आपके जैसी भी भावना है, वो आपको बोलते हुए जल और तेल अर्पित करने हैं और उसके बाद यह धागा जो मैं आपको बता रही हूँ उसको बांध कर आपको अपने पर्स में रख लेना है। जी हाँ दोस्तों, शिवरात्रि के दिन आपको यह महा उपाय करना है। इसको करने से आपकी इच्छा फलीभूत हो जाती है। शिवरात्रि पूजन से पूर्व आपको कच्चे धागे पर 7 गांठ लगा करके उसे गणेश जी के चरणों में आपको रख देना है। जब चौथे पैर की पूजा समाप्त हो जाएगी, उस धागे को आपने उठा करके अपने पर्स में रख लेना है। चेष्टा करें आप ये उपाय शिवलिंग में किसी मंदिर में जाकर के करें और अगर पॉसिबल नहीं है तो घर में आपने जो शिवलिंग स्थापना की है वहाँ करें। अगर नहीं की है, आपके पास कहीं कोई चारा नहीं है तो थोड़े से गमले से मिट्टी ले ले दोस्तों और उसको एक दिन के लिए आप शिवलिंग स्थापित कर अपने घर में किसी प्लेट में उसका पूजन करें। पंचोपचार सहित दूध, दही, चीनी, शक्कर आदि से पंचामृत से पूजन करें। दूध वैद्य चढ़ाएं, फूल फल चढ़ाएं, धूप दीप करें, आरती करें, इस तरह से पूजन करें। उस धागे को वहीं छोड़ दें और चौथे पहर की पूजा समाप्त हो जाने के बाद उस धागे को अपने पर्स में रख लें। दोस्तों, इस उपाय से जरूरत के अनुसार पैसा आता रहता है और धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं और कभी भी कोई कमी नहीं आती है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में हम मानते हैं कि धन से संबंधित कोई भी बाधाएं आती है उसका दोष घर या दुकान में ही मौजूद होता है। बहुत कुछ ऐसा होता है जिसके अनजाने में हम अनदेखी करते रहते हैं। बैंक में, पर्स में धन की कमी को दूर करने के लिए शिवरात्रि के दिन आपको सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश जी को और धन की देवी लक्ष्मी जी को पूजना चाहिए और सही स्थान पर रखना चाहिए। घर का उत्तरी हिस्सा जो होता है वो धन संपत्ति का द्वार होता है। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति या तस्वीर
इसी दिशा में आप स्थापित करें। नीचे लाल कपड़ा बिछा लें और शास्त्रों के अनुसार गणपति जी को महालक्ष्मी का मानस पुत्र माना जाता है, उनकी चाची थी वो, और गणेश जी की मूर्त को महालक्ष्मी जी की मूर्ति के बाएं तरफ विराजित करें। आदि काल से पत्नी को बाया स्थान पत्नी को ही दिया जाता है। कभी भी लक्ष्मी गणेश जी को जब भी आप स्थापित करते हैं अपने घर में किसी भी पूजन में, इस प्रकार स्थापित करें कि माता लक्ष्मी जी सदा गणपति जी के दाहिनी ओर स्थापित रहे, तभी पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। अगर आपने कभी पिछले टाइम में यह मिस्टेक की है, कभी जाने अनजाने अपने बाएं ओर स्थापित किया है, तो दोस्तों कोई बात नहीं, अब आगे आपको ध्यान रखना है। और अगर आपने गलत रखा हुआ है तो आज ही उस डायरेक्शन को चेंज कर दे। दोस्तों पर्स में आप कुछ और भी चीजें रख सकते हैं। लाल रंग के कागज रखने से ऐसा माना जाता है धन में बढ़ोतरी होती है। चावलों का मैंने आपको पहले भी कुछ उपाय बताया है कि पर्स में 21 दाने चावल के आप रखें। गणेश लक्ष्मी जी की फोटो आपको रखनी चाहिए अपने पर्स में। चाहे तो पीपल का पत्ता, वो आप हर समय अपने पर्स में रखें, पर ध्यान रखें उसको चेंज करते रहना चाहिए, सूख जाने पर उसको फेंक दे। चांदी का सिक्का आप अपने पर्स में रख सकते हैं, तो दोस्तों बरकत बनी रहती है। गोमती चक्र अगर पूजन में रखेंगे, लक्ष्मी पूजन कर उसमें रखे, तो वो भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा आप चाहे तो रुद्राक्ष भी रख सकते हैं। आपको शिवरात्रि वाले दिन छोटा सा भारत का शिवलिंग लेकर आना है। ध्यान रखें दोस्तों, जब भी घर के लिए शिवलिंग लेकर आए तो आपके अंगूठे के साइज से बड़ा नहीं होना चाहिए, और आपको अपने घर के मंदिर में इसे स्थापित करना है। शिवरात्रि से शुरू करके रोज आप इसकी पूजा करें। दोस्तों इस उपाय से घर की दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है। आप चाहे तो रात में, मैंने आपको वैसे भी बताया है, सावन के महीने में रोज रात को शिवलिंग पर एक दिया अवश्य जलाना चाहिए। अगर नहीं जलाते हैं तो कम से कम शिवरात्रि पर कल की रात को किसी भी शिव मंदिर में आपको एक दीपक जलाना है। अगर शिव मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर में जहाँ शिव जी जी की मूर्ति है तो वहाँ आपको एक दिया अवश्य जलाना है। दोस्तों शिव पुराण के अनुसार कुबेर देव ने अपने पूर्व जन्म में रात के समय शिवलिंग के पास रोशनी की थी, इसी वजह से उन्हें अगले जन्म में कुबेर का जन्म मिला और वह देवताओं के अध्यक्ष बने। ऐसा जाता है जो लोग सावन के महीने में शिवलिंग पर दिया जलाते हैं या शिवरात्रि की रात को शिवलिंग पर दिया जलाते हैं, वो कुबेर का जन्म पाते हैं। दोस्तों यदि आप चाहे तो शिवरात्रि पर स्वटिक के शिवलिंग की भी पूजा कर सकते हैं, धनदायी होती है। घर के मंदिर में जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से इस शिवलिंग को स्नान कराएं और मंत्रों का जप करें। ओम नमः शिवाय। ध्यान रहे दोस्तों, मंत्र आपको कम से कम 108 बारी करना है। इसके साथ साथ किसी सुहागन को सुहाग का सामान उपहार में दे। जो लोग यह उपाय करते हैं उनका वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर हो जाती है। दोस्तों किसी भी नीडी पर्सन को दे तो बहुत ही अच्छा है। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसा कोई ना मिले आपको तो आपस में जैसे कि पड़ोसी मिलकर थोड़ी सी चूड़ियां, बिंदी ऐसे एक्सचेंज कर सकते हैं। दोस्तों सुहाग का कोई भी सामान, लाल साड़ी, लाल चूड़ी, कुमकुम आदि आप दे सकते हैं। हनुमान जी भगवान शिव के अंश अवतार माने गए हैं। शिवरात्रि पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी और शिव जी दोनों को विशेष प्रसन्नता होती है और इनकी कृपा से भक्त की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों कल आपको यानी कि महाशिवरात्रि के दिन किसी भी बेल के वृक्ष के नीचे खड़े होकर के खीर और घी का, अगर पॉसिबल हो तो किसी भी गरीब बच्चे को, किसी निर्धन ब्राह्मण को दान करें, तो लक्ष्मी माता जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसे लोग जीवन भर सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं और सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं। आप चाहे तो अनाज का दान भी कर सकते हैं, धन का दान भी कर सकते हैं। गरीबों को दान करने से पुराने सभी पापों का असर खत्म हो सकता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों शिव पुराण के अनुसार बेल का वृक्ष महादेव का ही स्वरूप माना जाता है, इसलिए इसकी पूजा करना विशेष रूप से फलदायी होता है। फूल, कुमकुम, प्रसाद आदि चीजें विशेष रूप से चढ़ाएं, इसकी पूजा से जल्दी शुभ फल प्राप्त होता है। दोस्तों अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है, बेल का वृक्ष है, तो आप चाहे तो आप रात में दीपक जला सकते हैं। जब आप जल चढ़ाते हैं उस समय शिवलिंग को
हथेलियों से रगड़ना चाहिए, लड़कियों को नहीं रगड़ना चाहिए। बाकी शादीशुदा औरतें या जो जेंट्स हैं वो यह उपाय करे तो उनकी किस्मत बदल जाती है। दोस्तों, जल में केसर मिलाए और यह जल शिवलिंग पर आपको चढ़ाना है। इस उपाय से जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं या जिनके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उनसे जुड़ी हुई सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, आपको सभी उपाय नहीं करने, कोई भी एक उपाय करें जो आपकी प्रॉब्लम के अनुसार आपको लगता है सुटेबल है। आप खुशी खुशी सच्चे दिल से वही करें। आपको यह उपाय बहुत ही दिल से करना है, सच्ची श्रद्धा से करना है। यदि आप लंबी उम्र चाहते हैं तो शिवलिंग पर आप दुर्वा नहीं चढ़ा सकते, इसीलिए गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं। इससे शिव जी और गणेश जी की कृपा बनी रहती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, चावल को पका लें और उन चावलों से शिवलिंग का श्रृंगार करें। अगर आपको बहुत मंगल दोष है तो यह उपाय आपके लिए सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध होने वाला है। दोस्तों, रोज मैं कहती हूँ शिवलिंग पर काले तिल डाल करके जल चढ़ाएं, पुराने पाप नष्ट होते हैं। और समय समय पर शिव जी को नियमित अनाज चढ़ाया करें। इवन आप जो जल में काले तिल चढ़ाते हैं उससे बीमारियां भी नष्ट हो जाती है। और आप चाहते हैं यदि मन चाही गाड़ी मिले तो आपको कल की डेट में ही यह उपाय करना है। कल से शुरू करके आपको 108 दिनों तक रोज चमेली के फूल भगवान शिव को चढ़ाने हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। 11 बेल पत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखे या श्री राम लिखे और इसके बाद इसकी माला बना करके शिवलिंग पर चढ़ा दे। इसके अलावा भी आक धतूरा आंकड़े के फूलों की माला ये सब चढ़ाएंगे। दोस्तों, एक मुट्ठी चावल अखंड चावल चढ़ाएंगे शिवलिंग पर तो आप देखेंगे कल शिवरात्रि के दिन कैसे आपके बाबा सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और आपके घर धन की वर्षा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। धन संबंधी सारी समस्याएं धीरे धीरे किधर खत्म हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, इन वीडियोस को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूले। आज की वीडियो में बस इतना ही, लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले और मेरे इस वीडियो को लाइक आप अवश्य करें।